दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट लगभग साइडवेज में चल रही है। ऐसे में चलते बहुत सारी ऐसी न्यूज और अपडेट्स निकल करके आ रही हैं जो कि हम सभी, आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के होल्डर्स हैं, उनके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आई है वो सभी शिबा और सोलाना क्रिप्टो करेंसी होल्डर्स के लिए है। जी हाँ, न्यूज जो निकल करके आई वो ये है कि न्यू शिब एंड सोल पेयर सपोर्टेड बाय क्रैकन एक्सचेंज। पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस बहुत ही जबरदस्त क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसका नाम है क्रैकन, और इसने क्या किया है, शिबा क्रिप्टो करेंसी और सोलाना क्रिप्टो करेंसी के नए ट्रेडिंग पेयर को लिस्ट किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सोलाना क्रिप्टो करेंसी और शिबा क्रिप्टो करेंसी में वर्क अच्छे तरीके से चल रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज की जो निकल करके आ रहा है एक्सजी इंफिनिटी की तरफ से, जिसका शॉर्ट नेम जो है वो AXS है। बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक्सजी इंफिनिटी का प्राइस बहुत ही ज्यादा तेजी से डाउन आया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो निकल करके आ रही वो ये है कि एक्सजी इंफिनिटी प्राइस स्ट्रगल as $189 million worth of tokens are set to be unlocked. सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट है जिसमें $189 million के वर्थ के एक्सजी इंफिनिटी को क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, और हो सकता है कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इनकी सेलिंग हो जाए और जिसकी वजह से इसका प्राइस और भी नीचे आ सकता है। तो अगर आप लोगों ने एक्सजी इंफिनिटी क्रिप्टो करेंसी को होल्ड किया है तो एक प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस का भी यूज जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में बात करेंगे अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो है चैन लिंक प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जी हां, चैन लिंक प्रोजेक्ट की बात कर ले तो ये भी फंडामेंटली स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी किया जा सकता है। न्यूज जो निकल करके आई वो ये है कि चैन लिंक सॉक्स एंड व्हेल्स एड $313 million वर्थ ऑफ लिंक इन 6 मंथ। पिछले 6 महीने में $313 million वर्थ के यहां पर चैन लिंक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया गया है वेल्स के द्वारा। सो आप लोग खुद सोचिए, कहीं ना कहीं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो साइडवेज में चल रही है, और जितने भी फंडामेंटली स्ट्रांग प्रोजेक्ट है उसमें वेल्स लोग रेगुलर बेसिस पर इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। आप लोगों ने चेन लिंक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नहीं किया है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ATM बहुत ही ज्यादा तेजी से इंस्टॉल हो रहे हैं। ऐसे में चलते एक न्यूज निकल करके आ रही है वो ये है कि स्पेन ओवरटेक्स एल साल्वाडोर टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो ATM हब। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया का यहां पे जो लीगल टेंडर माना गया है देश वो एल साल्वाडोर है, और एल साल्वाडोर में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे ATM ऑलरेडी इंस्टॉल किए जा चुके हैं। लेकिन न्यूज जो निकल करके आई वो ये है कि स्पेन कंट्री ने यहां पर क्या किया है, ओवरटेक कर दिया है और थर्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो ATM हब बन गया है। सिंपल सा मतलब इसका यही होता है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ATMs बहुत ही ज्यादा तेजी से लग रहे हैं, और आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे कंट्री हो सकते हैं जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ATM इंस्टॉल्स होने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर हमारे इंडिया कंट्री में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ATM कब तक लग सकते हैं, 2025-2030? आपका क्या ओपिनियन है हमें इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो है कजाकिस्तान की तरफ से। जी हां, कजाकिस्तान प्रपोजेस टू फॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं रेगुलर बेसिस पर आप सभी लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूं कि पूरी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती हैं, और आने वाले टाइम में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लीगल फ्रेमवर्क भी तैयार करेंगे।
सो जो न्यूज निकल करके आई वो ये है कि कजाकिस्तान प्रपोजेस टू फॉर्म लीगल फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो करेंसी। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि कजाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लीगल फ्रेमवर्क तैयार कर रही है और आने वाले टाइम में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर रूल और रेगुलेशंस लगने वाले हैं। उसके बाद में बात करेंगे, अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो है ट्रोन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। जी हाँ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ट्रोन के फेवरेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहां पर इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो ट्रोन क्रिप्टो करेंसी को स्टेट क्वाइन मानते हैं। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, 4-5 साल का पुराना प्रोजेक्ट हो चुका है, आज तक कोई भी फ्रॉड और स्कैम नहीं किया है। ट्रोन क्रिप्टो करेंसी बहुत ही सस्ती होती थी 5 साल पहले और आज की डेट में अच्छा खासा मेंटेन किया है अपने प्राइस को, तो इसमें भी आप लोग छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। न्यूज जो निकल करके आई वो ये है कि ट्रोन बिकम्स लीगल टेंडर इन डोमिनिका। सिंपल सा इसका मतलब हुआ कि डोमिनिका एक ऐसी जगह है जहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया जाता है और ट्रोन क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर मान लिया गया है। मतलब डोमिनिका की जो यहां पर करेंसी है उसके थ्रू आप ट्रोन क्रिप्टो करेंसी को बाई कर सकते हैं और ट्रोन क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप डोमिनिका की करेंसी बाई कर सकते हैं या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे, जो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो बहुत ही जबरदस्त है, खासकर डॉज क्रिप्टोकरेंसी होल्डर्स के लिए। जी हां, न्यूज़ जो निकल करके आई वो ये है कि डॉज रिपल नाउ एक्सेप्टेड ऑन रोमानियाज लार्जेस्ट टिकेटिंग प्लेटफॉर्म। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग खुद सोचिए, मैं बार बार बोलता रहता हूं कि पूरी दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी है वो आज नहीं तो कल बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट जरूर करेंगी। सो रोमानिया से यहां पर एक लार्जेस्ट टिकटिंग प्लेटफॉर्म है जो टिकट प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन स्टोर है, इसने यहां पर डॉज क्रिप्टो करेंसी और रिप्पल क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट मोड एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि हम सभी आप सभी जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। उसके बाद में बात करेंगे, आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि बिटकॉइन का प्राइस प्रेडिक्शंस निकल करके आते रहते हैं, बहुत सारे लोग यहां पर पॉजिटिव न्यूज देते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव शेयर करते हैं, तो यहां पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आया है बहुत ही जबरदस्त, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग बिटकॉइन पे भरोसा करते हैं और जिन लोगों ने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट भी किया है। सो न्यूज जो निकल करके आई वो ये है कि आर्क एनालिस्ट स्टैंड बाय प्रेडिक्शन बिटकॉइन प्राइस विल टॉप $1 million। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि आर्क इन्वेस्ट एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है और जिनके सीईओ हैं मिसेस कैथे वुड। जी हाँ, एक लेडीज हैं, उन्होंने यहां पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का यहां पर प्राइस प्रेडिक्शन किया है और इनका यह मानना है कि आने वाले टाइम में $1 million तक बिटकॉइन जा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या बिटकॉइन $1 million को कभी टच करेगा या नहीं करेगा? अपने पॉजिटिव या निगेटिव फीडबैक हमें इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल करके आ रही है वो है इथेरियम होल्डर्स के लिए, जो कि बहुत ही जबरदस्त निकल करके आई है। न्यूज जो है वो ये है कि लार्ज इथेरियम होल्डर्स ग्लोबल 3.5 मिलियन इथेरियम होल्डिंग हिट न्यू ऑल टाइम हाई। सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि इथेरियम सेकंड जनरेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी है और इसमें क्या हुआ है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टमेंट रेगुलर बेसिस पर चलता रहता है और पूरी दुनिया की सबसे लार्जेस्ट व्हेल जो है उसने यहां पर 3.5 मिलियन इथेरियम होल्ड कर लिया है। आप लोगों ने इथेरियम में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर नहीं किया है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, आई होप कि वीडियो में मजा आया होगा। अगर वीडियो में मजा आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।